चलिए अब आपको बताएं जरा कि ये जो नॉमिनेशन हुआ उसमें कौन कौन अंदर था और कौन कैसे बाहर था और बाद में कैसे एंट्री मिली। जो दावा किया गया कांग्रेस की तरफ से उसमें कई बातें कही गई, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, प्रियंका का नॉमिनेशन जो हुआ उसको लेकर कांग्रेस को यह कहना था, कांग्रेस की सफाई जो थी कि पांच ही लोगों को अंदर आने की परमिशन थी। और लेकिन आपको तस्वीर देखिए आप जरा, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये सिर्फ परिवार के लोग अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं। अगर सिर्फ पांच लोगों को ही एंट्री भी थी तो उस पांच में से एक क्यों नहीं कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? क्यों सिर्फ यहाँ पर सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा नजर आ रहे हैं, रेहान वाड्रा नजर आ रहे हैं और प्रियंका वाड्रा तो नॉमिनेशन फाइल करने गई ही थी। लेकिन आप समझिए, सवाल यही है कि क्या इन चार लोगों में से एक जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनका जिम्मा है चुनाव लड़वाने का, वो नहीं यहाँ पर अंदर आ सकते थे? क्या वो अंदर नहीं रह सकते थे? ये सवाल है। इसमें ऐसे सफाई देने की जरूरत पड़ी उन्हें, लेकिन ये सफाई भी गैर जरूरी लग रही है, गैर पूरी लग रही है। इसको लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं, और यही वजह है कि अब सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे प्रश्न पूछ रहे। सुनिए जरा, खड़गे जी का साथ जो हुआ उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट कर किया जाता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में दलितों का कोई सम्मान नहीं है, पिछड़े का कोई सम्मान नहीं है, राहुल गांधी ढोंगी और ड्रामा करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा का हलफनामा वायनाड में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें दायर किया जाता है, तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोहब्बत की दुकान नहीं दलाली की दुकान है। तो सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछना लाजमी भी है, क्योंकि उन चार लोगों में से एक पार्टी के अध्यक्ष भी हो सकते थे जो खास तौर पर वहां पहुंचे थे, खास तौर पर नॉमिनेशन फाइल कराने पहुंचे थे, लेकिन पार्टी को ही तरजीह दी गई। इससे पहले भी ऐसा हुआ, इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस में दलित नेता के अपमान का पुराना इतिहास रहा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। सोनिया सबसे पहले 1998 में पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। सीताराम केसरी को अचानक जब वो अध्यक्ष बनी तो उनके पद से हटाया गया। सीताराम केसरी के नेम की जो प्लेट थी उसको भी उखाड़ दिया गया था। किसी को अध्यक्ष पद से आप हटाएं तो सम्मान हटा सकते हैं, लेकिन नेम प्लेट उखाड़ी गई। अध्यक्ष की नेम प्लेट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। सोचिए, सोनिया की ताजपोशी तक सीताराम बाथरूम में कैद रहे, उन्हें बाहर आने तक की इजाजत नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खोलने की भी कोशिश की थी। केसरी को जीप में भरकर पार्टी कार्यालय से निकाल दिया गया था। ये तरीका गांधी को, सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद पर बिठाया गया था, और पद पर बिठाने के दौरान किस तरह की चीजें की गई ये हमने आपको बता दिया। और यही वजह है कि बार बार ये प्रश्न उठ रहे हैं कि ऐसा कांग्रेस पार्टी में आम क्यों है। रबर स्टैंप अध्यक्ष जो कहा जाता है, क्या उसी पर चलती है कांग्रेस पार्टी? सोचने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उस दाना तूफान की जिसकी आहट से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत सात राज्य दहशत में है। तो दाना की रफ्तार को देखते हुए लोगों में डर है, दहशत है, क्योंकि सात राज्य हैं जो इस तूफान की जद में आने वाले हैं, और इसको लेकर बड़ी तैयारी एहतियातन कर ली गई, क्योंकि बताया जा रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जब हवाएं बहती हैं तो वो अपने साथ सब कुछ समेट कर ले जाती हैं, इतना नुकसान पहुंचाती हैं कि लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। ऐसे में इन सात राज्यों में बड़ी तैयारी कर ली गई। पूरी डिटेल अब इस सेगमेंट में आपको देने वाले हैं दाना तूफान से जुड़ी। सबसे पहले आपको बताएं कि बंगाल की खाड़ी से ये चक्रवाती तूफान उठ रहा है, दाना जिसका नाम है, देर रात करीब 2 बजे उड़ीसा के तट से टकराएगा। रात 2 बजे के करीब का वो समय बताया जा रहा है, और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिलहाल तूफान बढ़ रहा है। भीतरकनिका नेशनल पार्क,
धामका पोर्ट के पास ये लैंड करेगा, यानी वो पूरा इलाका जद में है। इसकी सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। 7 राज्य बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाला है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से यहाँ हवाएं गुजरने वाली है, तूफान गुजरने वाला है, जो अपने साथ सब कुछ समेटते हुए ले जा सकता है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। चलिए सबसे पहले आपको ईस्ट मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शुरुआत है, क्योंकि अभी पूरे रौद्र रूप में ये तूफान नहीं आया है, अभी तो साइक्लोन की आहट हुई है। रात 2 बजे करीब ये पहुंचेगा और तब किस तरह की तबाही होगी, क्योंकि अभी से ही लहरें ऊंची उठने लगी हैं, हवाओं का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। ईस्ट मेदिनीपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, धामरा ओडिशा की तस्वीरें, चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए कैसे पूरी नाव पलटती दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये बता रहा है कि किस तेजी से ये तूफान आगे बढ़ रहा है, इससे हाहाकार मचने की पूरी पूरी आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके जो यहाँ जिसकी जद में आ सकते हैं, वहां पर ज्यादा एहतियात बरतने को कहा गया है। ओडिशा की ही अगली तस्वीर केंद्रपाड़ा की आपको दिखा रहे हैं, और देखिए कैसे यहां पर लोग यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रपाड़ा की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां इलाका खाली कराया जा रहा है, पूरा का पूरा इलाका खाली कराया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप ये एरिया छोड़ के चले जाएं, आपके लिए खतरा है। और एक और तस्वीर धामरा ओडिशा की आपको दिखा रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, पुलिस यहाँ मौजूद है, लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। परिवार के साथ जो लोग हैं उन्हें मूव किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धामरा ओडिशा की। तो सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा असर है, लेकिन शुरू कहां से हुआ था और कहां तक जाने वाला दाना तूफान, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अंडमान सागर से ये शुरू हुआ 21 अक्टूबर को, और बंगाल की खाड़ी 23 तारीख पहुंचने की बात है, और 25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल, यानी आज की रात भारी है इन दो राज्यों के लिए। रात 2 बजे करीब पहुंचने की आशंका जाहिर की जा रही है, और इसमें धामरा पोर्ट पर सबसे ज्यादा असर रहने वाला है, और भीतरकनिका नेशनल पार्क पर भी इसका बहुत असर रहने वाला, और रात 2 बजे का समय बताया गया है। ऐसे में लोगों से यह कहा गया है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें, घर में हैं तो घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। बल्कि आपको बताएं 10 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें मूव किया गया है, शिफ्ट किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जो हम आपको बता रहे कि धामरा पोर्ट सबसे ज्यादा जद में है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। धामरा पोर्ट के जो सीईओ हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की, देवेंद्र ठक्कर साहब से, कि किस तरह की तैयारी है, उन्होंने क्या जानकारी दी, आपको सुनवाते हैं। प्रेडिक्शन है आईएमडी का, उस प्रेडिक्शन के हिसाब से धामरा पोर्ट है, इसके ऊपर से लैंडफॉल दिखा रहा है। तो पोर्ट को एक पूरा एक प्रिपेयरनेस प्लान होता है। तो भारत में जितने भी बंदर है सबकी अपनी अपनी एक एसओपी होती है, सो धामरा पोर्ट ने एक बहुत अच्छी एक एसओपी बना लिया है कि किस हिसाब से कोई साइक्लोन या ऐसे कोई मेजर ऐसे इवेंट होती है उसको कैसे फेस किया जाए। तो ये प्रिपेयर्डनेस ऑलरेडी 3 दिन से स्टार्ट हो गई है।